तो आज हम कॉम्प्लियंस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। दोस्तों ये कहानी अमेरिका के रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है। मूवी की स्टार्टिंग सेंड्रा से होती है जो चेक ब्रेकफास्ट फूड रेस्टोरेंट की मैनेजर है। वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। माना जाता है उसकी देखरेख में रेस्टोरेंट काफी अच्छा बिजनेस करता है। लेकिन एक दिन इसके पास एक कॉल आता है जिसकी वजह से इसका करियर हमेशा के लिए बर्बाद हो जाता है। तो ये कॉल किसका था? कहानी में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको ऐसी कहानियां रोज मिलती रहेंगी। चलिए कहानी में लौटते हैं। तो हमें पता चलता है कि सैंड्रा को कोई कॉल आता है जो डैनियल नाम के एक पुलिस ऑफिसर का होता है, जो कि उसे कहता है कि बेकी ने उसके पैसे चुराए हैं और इसलिए रेस्टोरेंट में वो पुलिस ऑफिसर को भेज रहा है इस बात की तहकीकात करने के लिए। ये सब सुनकर सैंड्रा ऑफिस के पीछे चली जाती है और वहां जाकर बेकी से पूछती है। इस बात से बेकी साफ इनकार कर देती है कि उसने किसी के पैसे नहीं चुराए हैं, लेकिन ऑफिसर कहते हैं उसके पास गवाह है। लेकिन बेकी फिर भी नहीं मानती। सैंड्रा को बेकी के पर्स को तलाशी लेने के लिए कहता है और बेकी ऐसा ही करती है। फिर वहां के एम्प्लॉय क्विबिकल में जाकर पर्स की तलाशी लेते हैं और सैंड्रा बेकी से कहती है, अगर तुमने ऐसा कुछ किया होगा ना तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगी। पर उसके पर्स में कुछ नहीं मिलता, तो ये बात वो ऑफिसर डैनियल को बताती है। डैनियल सैंड्रा से कहता है कि वो उसको ऑफिस में बैठा के रखे। इसके बाद सैंड्रा को कहता है कि वो उसकी फोन पर ही मदद करे। सैंड्रा डैनियल से कहती है कि बेकी ने कभी भी ऐसा काम नहीं किया है, लेकिन डैनियल को बेकी पर भरोसा नहीं था और वो कहता है अगर वो निर्दोष निकली तो वो उसकी पूरी मदद करेगा। वो जानता था ऐसी बातों से सैंड्रा उसकी बातों में आ जाएगी। डैनियल बेकी से बात करता है और कहता है किसी भी तरह करके उसे पैसे वापिस चाहिए। इस पर बेकी उससे कहती है मैं पूरी तरह से उसकी मदद करूंगी। डैनियल सैंड्रा के सामने दो शर्त रखता है, या तो बेकी जेल जाए या सैंड्रा उसकी स्ट्रिप सर्च करे। सैंड्रा इससे बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होती, लेकिन फिर भी ये दोनों शर्त बेकी के सामने रख देती है। बेकी को भी सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो मान जाती है। पर वो सैंड्रा से कहती है अगर उसको अपनी स्ट्रिप चेक करानी है तो वहां पर मार्टी भी हो, मार्टी के हाजिर होने पर उसे स्ट्रिप चेक कराने में कोई दिक्कत नहीं है। जब तक सैंड्रा मार्टी को लेकर आती है, डैनियल बेकी को मनाता है कि एक रास्ता है जिससे बेकी बच सकती है। यह सब सोचने की बात है। जब ऐसा हो रहा है तो डैनियल कहाँ पर है? क्या वो फोन बूथ पर है या किसी के घर में है? ये बात कोई नहीं जानता। डैनियल बातों ही बातों में बेकी के भाई पर भी शक जताता है। सैंड्रा मार्टी से सारी बातें बताती है। इसके बाद जब सैंड्रा ऑफिस में आती है तो डैनियल उसकी तारीफ करते हुए कहता है उसके अंदर पुलिस वाले सारे गुण हैं, यह भी कि वो एक अच्छी पुलिस वाली बन सकती है। इसके बाद वो चेक करना स्टार्ट करती है। बेकी अपने सारे कपड़े निकाल देती है। सैंड्रा एक एक करके उसकी तलाशी लेती है। इसके बाद सैंड्रा डैनियल से कहती है कि बेकी के कपड़े में उसे कुछ नहीं मिला। तब डैनियल सैंड्रा को कहता है कि बेकी के अंडरवेयर निकालकर तलाशी करे। बेकी वैसा ही करती है। मार्टी के अंदर इतनी इंसानियत तो होती है कि वो बेकी को अप्रैल पहना देती है। अब डैनियल तरह तरह के डिमांड शुरू कर देता है। कभी उसे घूमने को कहता है, कभी झुकने को कहता है और फिर सैंड्रा से कहता है कि वह बेकी के कपड़े गाड़ी में रख दे, क्योंकि डैनियल इन्हीं कपड़ों की बाद में तलाशी लेगा। इसी बीच मार्टी को शक होता है तो वह सवाल डैनियल से पूछ लेती है, जिस पर वह कहता है दूसरे ऑफिसर्स बेकी के घर की तलाशी ले रहे हैं और वह अपनी दूसरी गलती भी मान ले। सैंड्रा बेकी के कपड़े कार में रखकर वापस रेस्ट रूम में चली जाती है, जहां वो केबिन से बात कर वापस ऑफिस में चली जाती है। वो डैनियल से बोलती है कि उसके रेस्ट रूम में बहुत काम है। डैनियल्स सैंड्रा को बेकी पर नजर रखने के लिए किसी आदमी को बुलाने के लिए कहता है। सैंड्रा ऐसा सोचती है कि नेकेड लड़की पे नजर रखने के लिए कोई आदमी को क्यों बुलाएगा, या तो उसके भागने में मदद कर सकता है। फिर भी सैंड्रा केविन को अंदर बुलाती है और डैनियल उसे कॉल पर सारे इंस्ट्रक्शन देता है, लेकिन केविन वहां से भागने की सोचता है। डैनियल उसे कहता है कि जब तक तुम अंदर बेकी के साथ रहोगे तब तक तुम्हें उसकी तलाशी लेनी होगी, लेकिन केविन को डैनियल की बातें भरोसा नहीं होता और वह बाहर आकर सैंड्रा को कुछ ना करने के लिए बोलता है। फिर डैनियल सैंड्रा से कहता है कि केविन कुछ नहीं कर सकता, इस काम के लिए किसी और को बुलाना पड़ेगा। डैनियल सैंड्रा से बात करके जान लेता है कि उसकी अभी अभी सगाई हुई है। डैनियल सैंड्रा को उसके बॉयफ्रेंड को बुलाने के लिए कहता है। फिर उसका बॉयफ्रेंड बेन वहां पर आ जाता है, जो पहले से ही थोड़ा नशे में था। सैंड्रा उसे डैनियल के बारे में बताती है और फोन देकर वहां से चली जाती है। डैनियल उससे सवाल करता है और वह जानना चाहता है कि सैंड्रा ने उसे क्या बताया है। तो वह कहता है कि सैंड्रा ने उसे उसके ऊपर नजर रखने को बोला है। अब डैनियल उसके कपड़े को निकालने के लिए बोलता है। आखिर बेकी मान जाती है और अपना कपड़ा निकाल देती है, इनको तलाशी लेने देती है। इस समय बेकी पूरी तरह नेकेड थी।
अब डैनियल बेकी के साथ अश्लील हरकतें करने को कहता है। बेन वैसा ही करता है। डैनियल बेन से कहता है कि वो बेकी को थप्पड़ मारे, उसके शरीर पर चोट पहुंचाए और चोट लगने की वजह से वो चिल्लाती है और यह देखकर बेन बहुत शर्मिंदा होता है और वहां से चला जाता है। ब्रिस्टन के प्रेसिडेंट को यह सब बात पता चलती है। वो गुस्से से बेन से पूछता है कि ये सब तुम्हें किसने कहा है करने के लिए। तुरंत रीजनल मैनेजर को फोन करती है तो कहती है मुझे नहीं पता। साथ ही वो किसी तरह के इन्वेस्टिगेशन से इनकार कर देता है, सारी बातों से पीछे हट जाता है। पुलिस इन सब बातों की छानबीन करना शुरू कर देती है तो पुलिस को पता चलता है कि ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। बहुत ढूंढने के बाद पुलिस के हाथ डैनियल लग जाता है और उन्हें पता चलता है कि यह एक टेलीकॉलर है और पुलिस वाले उसे अरेस्ट कर लेते हैं। इधर अपने साथ बदतमीजी के लिए सैंड्रा पर वो कोर्ट केस कर देती है और अब सैंड्रा को उसकी गलती के लिए उसे काम से भी निकाल दिया जाता है, उसका ब्रेकअप हो जाता है। कुछ दिन बाद एक इंटरव्यू में सैंड्रा अपनी गलती को बताती है और खुद को भी इसका विक्टिम बताती है। वो ये भी बताती है कि उस दिन जो भी हुआ उसके बारे में उसे कुछ पता नहीं था और इस घटना के लिए वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। तो दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो मेरी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ वापस।